I think style comfort है तो मैं थोड़ा comfortable हूँ whatever I do. I think मेरा जो comfort है वो मेरा style है. Other than that, I think the best stylish thing on anybody is their smile. So I think that pretty much works for everybody. Okay, आज जो आपने अचानक लिया है इस award function के लिए उसके बारे में बताइए कि कितना stylish रखने की कोशिश करेंगे. Yeah, actually, ज़्यादा stylish I don't know है कि नहीं है, but simple. I think men look nice when they're simple, when they're not too much of something. So it's a black suit. It's got a little bit of sequence on it. थोड़ा Michael Jackson retro feel है. So I think it's really cool. And most importantly, I think what's really stylish is my hair. I love my hair today. So it's definitely got to be my hair with my suit, which is stylish. सर अब आप कब परफॉर्म करने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी. इसके अलावा किसी और की आपने कभी रिहर्सल देखी होगी? जी, जी, जी. तो आपने अलावा और किसकी परफॉर्मेंस देखी सबसे अच्छी? I think सलमान की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है, बहुत ही. हाँ जी, हाँ. तो कुछ बोलूँ मैं? सलमान यूसुफ खान बोलो. आई थिंक सलमान यूसुफ खान की परफॉर्मेंस बहुत ही कम. बोलो बोलो सर. अच्छा, आई थिंक सलमान यूसुफ खान की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है, बहुत ही कमाल के. मैंने उनकी रिहर्सल्स देखी है, बहुत ही डेंजरस एक्ट है, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन एक्ट में. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एक्ट. सेकंड टू दैट आई थिंक आई लव माई एक्ट. आई लव व्हाट मैं गौतम गुलाटी हम दोनों एक बॉयज एक्ट कर रहे हैं. मैंने ब्लैक, इनफैक्ट जस्ट अ लिटिल सीक्रेट, मैंने अपना परफॉर्मेंस कॉस्ट्यूम पहना हुआ है. बट yeah, so it's a very cool act. Men in Black hai, you know, it's nice. Gotham's also got his own you know, style sense, and both of us coming together, so it's going to be a really funky act. Next. Karan, can you tell us something about your hairstyle? Haan ji. 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 Coach. Rose. जी हाँ, मुझे थोड़ा सा फेटिश है बालों के बारे में. मुझे अच्छे लगते हैं जब बाल किसी. आई थिंक मेन की प्रॉब्लम क्या है कि हमारे लिए कुछ ज़्यादा एक्सेसरीज बनती नहीं है. हमारे पास ज़्यादा कुछ कपड़े होते नहीं है, बेसिक कपड़े होते हैं. बट द ओनली वन थिंग दैट यू कैन एक्सेसराइज एज अ मैन इज अ गुड हेयर स्टाइल. तो डेफिनेटली यू नो आई लव माई हेयर लाइक दैट. मुझे बड़ा अच्छा लगता है एक्सपेरिमेंट करना. तो मैं रोज़ तो नहीं कटाता, लेकिन हाँ, लेकिन हर 10-15-20 दिन में जाके बाल कटवाता हूँ. जी हाँ जी जी. आई थिंक अगर टोल नाका. हाँ जी, देखिए, मेरा ये मानना है कि ये एक्चुअली जो टॉपिक है बहुत ही लंबा है, बट इट्स वेरी सिंपल कि अगर एक टोल है, अगर हम टैक्सेस भर रहे हैं, तो हमारे टैक्सेस से रोड्स बननी चाहिए, हाईवेज बनने चाहिए, फ्रीवेज बनने चाहिए. अगर टैक्सेस सफाई नहीं करते, अगर जो हम टैक्सेस भर रहे हैं वो लोगों की जेबों में नहीं जा रहे, तो डेफिनेटली आई थिंक अगर एक 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 ब्रिज बन रहा है जो ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा, कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, उसकी एक एक सर्टन रेवेन्यूरेशन होनी चाहिए. अगर वो एक बार कलेक्ट हो जाए तो डेफिनेटली टोल बंद हो जाना चाहिए. तो आई थिंक आमिर खान इज राइट इन अपीलिंग टू. सॉरी, आई थिंक मिस्टर सचिन तेंदुलकर इज वेरी राइट इन राइटिंग दैट लेटर टू द सीएम. थैंक यू वेरी मच.